हेलो एवरीवन माय नेम इज़ आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश जी के इन्फॉर्मेशन आज इकोनॉमिक्स का नोवा लेक्चर है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ़ डिमांड इज गिवेन बाय मार्सल ठीक है मार्सल ने लॉ ऑफ डिमांड को दिया था सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड किसके द्वारा दिया गया था तो आप उसका उत्तर देंगे मार्सल के द्वारा लॉ ऑफ डिमांड दिया गया था लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स डेट प्राइस एंड डिमांड ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेस आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर इस अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड इफ़ अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट अगर प्राइस अगर किसी वस्तु का कॉमोडिटीज का ज़्यादा होगा उसका डिमांड कम होगा अगर प्राइस कम होता है तो उसका मांग मार्केट में बढ़ जाएगा ठीक है विद द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस The demand for all the same product will fall. Price अगर product का बढ़ जाएगा तो demand उसका market में घट जाएगा लोग उसके alternative के तरफ shift हो जाएंगे substitute good की तरफ देखिए डिमांड कम है अगर price ज्यादा है ठीक है ये demand कम है अगर price ज्यादा है Demand ज़्यादा है अगर price कम है ठीक है हाँ एक दूसरे तरीके से ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है प्राइस एंड डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है तो प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप है डाउनवर्ड है निगेटिव एंड राइट साइड है हमेशा राइट right साइड होगा लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है इफ अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड्स इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा हायर द प्राइस हायर द सप्लाई लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई जब भी मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा तो सप्लायर हमेशा कोशिश करेगा कि मार्केट में गुड्स को उतारे ताकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा ठीक है अगर मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो सप सप्लायर उसको मार्केट में उतारने से पहले कतराएगा क्योंकि उसको कम प्रॉफिट मिलने का चांसेस होगा नेक्स्ट टॉपिक है एलास्टिसिटी ठीक है एलास्टिसिटी तीन प्रकार के होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ठीक है यहाँ से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ठीक है परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस या फिर उसको ऐसे भी पूछ सकता है आंसर दे सकता है परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ठीक है और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम बस आपको कुछ करना ठीक है नेक्स्ट कुछ करना नहीं है इनकम है तो इनकम नीचे होगा डिमांड ऊपर होगा ठीक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसे बोलते हैं तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ठीक है चलिए इसी को देखते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फर्स्ट है जीरो इलास्टिसिटी या फिर उसको परफेक्टली इन इलास्टिक भी बोलते हैं क्या बोलते हैं जीरो इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक ठीक है अगर इसका फिगर बनाए तो इसका फिगर फ्रेंड्स ऐसा हो जाएगा ठीक है और ये हो गया आपको एक्स एक्सिस ये हो गया आपको वाई एक्सिस ये क्या होगा हमेशा इसके पैरल हो जाएगा ठीक है ये हो गया आपको क्वांटिटी यानी कि डिमांड ये हो गया प्राइस ठीक है ना इसका कर्व होगा क्या होगा वर्टिकल होगा वर्टिकल कर्व होगा ठीक है नेसेसरी गुड इसमें क्या होगा हमेशा हम नेसेसरी गुड को ही लेंगे एग्जाम्पल में मेडिसिन हो गया ठीक है मेडिसिन हो गया या फिर आपको साल्ट हो गया टर्मरिक हो गया ठीक है ये सब क्या है हमारे जीवन में बहुत नेसेसरी है ज़रूरत का सामान है इसीलिए इसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे ठीक है नेक्स्ट है लेस इलास्टिसिटी या फिर रिलेटिव इन इलास्टिक इसमें क्या है ना अगर इसका फिगर बनाए तो इसका फिगर ऐसा बन जाता है ठीक है ना डिमांड बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा ठीक है स्टेप पर वेरी इंपॉर्टेंट गुड फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ या फिर फूड ग्रेन ठीक है एक सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि लेस इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं तो बोलते हैं रिलेटिव इन और इसका कर्व कैसा होता है तो स्टेपर होता है एस टी एस टी डब्ल्यू पी आर स्टेपर स्टेपर ठीक है नेक्स्ट देखते हैं यूनिट इलास्टिसिटी या फिर यूनिट्री इलास्टिक अगर इसका कर्व बनाएंगे तो इसका कर्व आपको ऐसा बनेगा जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर हाइपर बोला कैसा बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपर बोला इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट गुड्स आ जाएगा फूड्स आ गया इसमें ठीक है इसमें भी फूड्स आ गया समझ गया ना नेक्स्ट ले लेते हैं हाईली इलास्टिसिटी या फिर रिलेटिव इलास्टिक हाईली इलास्टिसिटी या फिर रिलेटिव इलास्टिसिटी में आपको कर्व बनेगा रिलेटिव इलास्टिक में कर्व ऐसा बनेगा फ्लैटर टाइप का बनेगा फ्लैटर कैसा बनेगा फ्लैटर फ्लैटर कर बनेगा इसमें आपको लग्जूरियस गुड आ गया कौन सा गुड आ गया लग्जूरियस गुड एग्जाम्पल में हो गया कार हो गया या फिर मोबाइल हो गया ये सब आपको हाईली इलास्टिसिटी या फिर रिलेटिव इलास्टिक में आ जाएगा नेक्स्ट है और लास्ट है इनफाइनाइट इलास्टिसिटी या फिर परफेक्टली इलास्टिक इसमें आपको प्राइस हो गया ये डिमांड हो गया ठीक है इसमें आपको इसका कर्व होगा आपको पैरल होगा इसके ठीक है और ये हॉरीजेंटल होगा इसका कर्व कैसा होगा हॉरीजेंटल ठीक है इसमें आपको पेट्रोल हो गया टोबैको हो गया शौखिया चीज़ आ जाएगा टोबैको हो गया ठीक है ना? पेट्रोल हो गया ई ठीक है लग्जूरियस गुड्स में ये सब की आवश्यकता पेट्रोल की पड़ती है तो आपने आज टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी को पढ़े ठीक है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी चलिए इसको फिर से एक और रिवाइज कर लेते हैं जीरो इलास्टिसिटी इसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं इसका कर्व होता है वर्टिकल होता है ठीक है वाई एक्सिस के नेसेसरी गुड्स इसमें आता है मेडिसिन हो गया साल्ट हो गया एक तरीके से आपको सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जीरो इलास्टिसिटी का कर्व कैसा होगा तो वर्टिकल होगा लेस इलास्टिसिटी लेस इलास्टिसिटी को सबसे पहले हम क्या बोलते हैं तो रिलेटिव इन इलास्टिक बोलते हैं इसका कर्व कैसा होगा स्टेपर होगा इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट गुड्स आ गया जैसे कि फूड ग्रेन ठीक है थर्ड वन इज़ यूनिट इलास्टिसिटी यूनिट इलास्टिसिटी को हम यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं इसका कर्व आपको रेक्टेंगुलर हाई बोला होगा इसमें भी इंपॉर्टेंट गुड्स आ जाता है जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए है फोर्थ वन इज़ हाईली इलास्टिसिटी हाईली इलास्टिसिटी में आपको रिलेटिव इलास्टिक रिलेटिव इलास्टिक बोलते हैं इसका कर्व आपको फ्लैटर होगा इसमें लग्जूरियस गुड्स आता है जैसे कार हो गया मोबाइल हो गया और लास्ट वन इनफाइनाइट इलास्टिसिटी इसको हम परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं इसका कर्व होगा हमको आपको, आपको कर्व होगा इसका हॉरिजेंटल होगा इसमें पेट्रोलियम टोबैको आ जाता है ठीक है यह था आपका छोटा सा सेक्शन इकोनॉमिक्स का आई होप आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल आकाश जी के इन्फॉर्मेशन को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ठीक है थैंक यू सो मच फ्रेंड्स